वो देखो देखो देखो, हाथ में दिख रहा होगा आपको क्या नहीं है, देखो इतनी कम है वैसे। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है यार। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज है वो दिन जब हम जा रहे हैं वापस चंडीगढ़। सो आप लोग देख सकते हैं हम प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैकेट हमने कल ही लिया है। स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी वो दिखाओ जरा, इसका किल्टा दिखाओ, इस जैकेट का कैसे है। नंबर वन, एक तो नंबर वन ये जैकेट प्रॉपरली -5 डिग्री के लिए है। नंबर टू ये चीजें हैं, ये हमें बड़ी यूनिक चीज लगी, कैरी करनी। जैसे आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए जा रहे हो तो आप, यस, अगर हमें कहीं गर्मी का एहसास होता तो हम इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। यस, ये हमें बहुत अच्छा लगा इस जैकेट में। इस जैकेट में ये खासियत बहुत ज्यादा। और यार आप लोगों को आज का व्यू बता देता हूँ यार, मे भी हम एक आधे दिन रुक पाते बिकॉज स्नोफॉल होने वाली है एक आधे दिन में, बट ऊपर तो हो चुकी है स्नो। आप लोगों को दिखाता हूँ, सो एक्साइटेड फॉर द स्नो, बट क्या करें यार, हमें तो आज जाना है। हम तो निकल रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और बस निकलना है हमें। क्या वेदर है देख रहे हो, सुबह सुबह कितनी ठंडा है यार, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, कल रात से बारिश हो रही है, इसीलिए ऊपर जो है वो स्नोफॉल हो रहा है। और बहुत प्यारा लग रहा है स्नोफॉल यार, और मौसम टोटली ख़राब है आज, मुझे लग रहा है चंडीगढ़ तक बारिश ही मिलने वाली है। सो चलते हैं फटाफट से, ब्रेकफास्ट करते हैं, छोटा मोटा और थोड़ा सा काम है। एक्चुअली क्या है, मुझे एमर्ज में दोबारा से जाना है, कुछ हमारा बिलिंग में कुछ इशू आ गया था कल यार, वो बिलिंग का सेटल करना है और देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। बाकी ये देखिए होटलों से फैंटा चुराते हुए कौन है ये लोग, दिखाओ दिखाओ फैंटा दिखाओ, वो देखो देखो देखो, हाथ में दिख रहा होगा आपको क्या नहीं है, देखो हम रेड बुल का एंजॉय लेंगे और हम थोड़ी देर में यहाँ से जाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये और अब हमारा राइट टाइम है टू चेक आउट फ्रॉम द होटल, क्योंकि बिकॉज़ मुझे आज ऑफिस बहुत जरूरी जाना है। ओहो, और इसी बहाने हम उनके भी नहीं जा पा रहे। तो काम है वैसे, दिमाग भी नहीं के पाना। ये देखो ये हो गए रेडी, शूज दे दो यार। सो यार बस रेडी हो चुके हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया। ये देखो इनको, देखो देखो ये देखो, ये लोग ना कभी टाइम पे तैयार नहीं हो सकते, देख रहे हो आप लोग यार, इनका चलावा ही है। ये देखो पापा, अब ये हर कहीं मोड़ के डाल लेंगे ये सामान। पापा इधर उधर मत करना मिस प्लेस। हाँ बिल्कुल खाली है। तो यार बस हो गया, निकलना है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और इनका तो चला रहेगा यार। ये देखो ये तो चलते, इनका तो चला रहता है, इनका चला रहता है। और हम लोग फटाफट से हम निकलते हैं बिकॉज हमें पहुंचना है। थोड़ा सा एक साइड सीन करते हुए निकलेंगे, तो वो कौन सी जगह है साइड सीन वो आपको बने रहे ब्लॉग में आपको बताएंगे। सो मिलते हैं आपसे हम नीचे गाड़ी में। भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, भाई बहुत ठंड लग रही है, इसलिए तो हमने तो डाला ही अपनी कैप, इसीलिए ये जैकेट लिया गया बिकॉज -5 डिग्री टेम्परेचर के लिए ये है। और यार बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और ये देखो यार, ये देखो कैसे फॉग ऊपर को जा रही है, ये देखो। सो फाइनली मैंने जो आपको कहा था कि थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो वो जगहें हैं अभी हम जा रहे हैं। भाई कैमरा ढंग से करना एक्सप्लोर है, मेरी तरफ गजब बेइज्जती है। आप तो नजारे देखिए जरा, सारा फॉग 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 है। और रजत आपको इसके बारे में बताएगा कौन सी सड़क है यार। ये देखो, तो मैंने जैसे आपको बताया था व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि हमने वापस चंडीगढ़ जाना, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने एक्सप्लोर करने हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, एक तो जा रहे हैं हम डल लेक, ठीक है, और एक जा रहे हैं नड्डी पॉइंट और स्ट्रॉबेरी, यहाँ जा रहे हैं अभी। राइट नाउ जो ये रोड है, ये जो है ये टेंगलवुड रोड है, टेंगलवुड जा रहा है ये प्रॉपर। यहाँ देखना, यहाँ पर एक प्यारा सा नालू भी आएगा पानी पीने के लिए, वो देखो यहाँ पर नेचुरल नालू चला हुआ है पानी का। अब तो चलो नेचर इतना कम हो रहा है, पर फिर भी दिस इज अ गुड प्लेस। आप पैदल आए हो कभी? गाड़ी तोड़ने का बहुत बारी हम पैदल आया है, बहुत पैदल चले हम। ये वैसे बेसिकली पैदल रोड ही है, लोग चलते हैं। गाइस हम भी बहुत पैदल चले हैं यहाँ पे स्कूल के बाद, क्योंकि यहाँ पे कहाँ चल पड़ी भाई वहाँ से।
आगे से रास्ता है ना, बिल्ला रोड नीचे, जब स्कूल से छुट्टी होती थी वहाँ से आगे के लिए हमें, हाँ कैंट रोड से ऊपर पैदल। एक बार यहाँ पर गाड़ी लगा के रुकते हैं, जरा बाहर निकलो देखो डल के नजारे लो कैसा है डल। हम आ चुके हैं डल लेक में, आप लोग देख सकते हैं ये है ऊपर शिव टेंपल, दिखाइए आप ये शिव टेंपल है, ये हमारी मम्मा है, अभी माता रानी का टेंपल है, हाँ, और एक और हनुमान जी का टेंपल, और ये है डल लेक, वो है सामने टेंपल। डल लेक अब तो खत्म ही हो चुकी है यार, एक टाइम होता था अब तो खत्म ही हो चुका है। पहले यहाँ बोटिंग भी होती थी हमारे फादर, एग्जैक्टली बोटिंग भी हुआ करती थी, और कितनी फॉग है सामने देख रहे हैं ना, सामने वो दिख रहा है देखो थैंक यू इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पर, बेसिकली दिस एरिया वाज मेड बाय टिबेटियन लाइक टिबेटियन कम्युनिटी। सो फाइनली ये आ चुके हैं हम नड्डी में, आप लोग देख सकते हैं दिस इज व्यू पॉइंट नड्डी कहते हैं इसे, ये यहाँ पर कैफेज एंड ऑल, अगर आप खाना चाहो तो हम मैगी एंड ऑल खा सकते हैं यहाँ पर, बट बेसिकली जो नड्डी है वो सनसेट पॉइंट के लिए ही फेमस है यार। आगे पता नहीं गाड़ी लेके हम तो ले आया करते थे पहले, पता नहीं आज आप देख सकते हैं कैंपिंग एंड ट्रियून ट्रैक ऐसा सब कुछ है, पता नहीं क्या क्या है, पूछना गया भाई अपना एरिया था ये, रोड तो है तल्लू इंटरनेशनल स्कूल नहीं आगे, हाँ टीसीबी, ये देखो यहाँ पर बढ़िया की कार्रवाई हो रही है, ये देखे आप जरा गुना माता टेम्पल, यहाँ मैं गई हूँ गाइस गुना माता टेम्पल बहुत दूर है, ये देखो यार गाइस अभी नहीं व्यू दिख पा रहा लेकिन यार यहाँ से ऐसा व्यू आता है ना खतरनाक, क्या बंदा है आपको, अभी फॉग है इस वजह से, अभी फॉग है और व्यू अच्छा नहीं आ पाएगा, यहाँ तो बहुत बैठे हैं यार, मैं तो स्कूल टाइम बहुत बैठे हैं यार। गाइस ये देखो अभी हम यहाँ नड्डी का पॉइंट है, ये तल्लू इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि स्नो पड़ रही है, आपको कैसे दिखाऊं मेरे मिरर पे पड़ रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है बट लगता है कि आज रात को हो ही जाएगा बटाका स्नो पड़ जाएगी। अब ये देखो ऊपर बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ बना, यहाँ पर ठंड पड़ी हुई है और मज़ा आ रहा है यार, अगर आज रुक जाते ना प्रीति हैं, प्रीति इधर देख, अगर आज रुक जाते तो कल तो स्नो थे भाई, अभी भी स्नो हो रही है, ये देखो ये देखो गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे लग गई गाइस, ये देखो यार स्नो फॉल हो रहा है, स्नो ये देखो आप इसके ऊपर पता चल रहा होगा आपको स्नो फॉल हो रही है, ये देखो गाइस ये देखो स्नोफॉल इज हियर, स्नो नहीं है, टिकेगी श्रूम ब्रिज, अच्छा यही टिकती है, यही टिकती है, ये गाड़ी भी स्लिपरी में प्रॉब्लम देती है, यही बर्फ है वो, ओ लाइव स्नोफॉल हो रहा है जी, तो चलो यार चलते हैं अब कहीं मैगी का लुक उठाते हैं और हमें तो चंडीगढ़ निकलना वापस, सो मिलते हैं आपसे एक और पॉइंट पे, तब तक बने रहे ब्लॉग में। वो देखो ट्री हाउस है, ये भी कहां था वो देखो, सो गाइस ये देखो ट्री हाउस है यार यहां पर, सो गाइज हम आ चुके हैं, ये जगह का नाम क्या है ना यार, इस जगह का नाम मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, नदाउन से 20-25 किलोमीटर्स आगे है ये जगह, सो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मौसम देखो यार मौसम कितना कातिलाना हुआ पड़ा है, और यहाँ पर जस्ट एक हमने टी ब्रेक ली है, और जैकेट देख रहे हो भाई काम आ रहा है ये जैकेट पूरा एकदम, यहाँ से पूरा ढक लो, अंदर ना बारिश आती ना कुछ आता। A few moments later. यार हम लोग पहुंच चुके हैं रोपड़ एंड दिस इज रोपड़ हवेली, और जस्ट यहाँ पर यार खाने रुके हैं बिकॉज आई एम फीलिंग सो हंगरी, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो इस करके यार, तो फटाफट से चलते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी तो भी खड़ी है हवेली में, एज यूजल चीज़ें तो होती है,
चलो चलते हैं फटा। ये देखिए जादू, अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर आने जादू यहाँ से है, वो अंदर से कुछ भी नहीं। तो भाई लोग अब हम खाना खाने लगे हैं, यहाँ डिनर करने लगे हैं। तो आप लोगों को एज यूजुअल पता है हवेली में हमेशा ट्रेडिशनल फूड मिलता है, तो हमने जो आज ऑर्डर किया है दैट इज़ सरसों का साग एंड मक्की रोटी, दैट इज़ मिस्सी रोटी। सो यार बहुत ही ज़्यादा यम खाना लग रहा है, देखो फटाफट ट्राई करते हैं यार। और साथ में लच्छा परांठा हमने ऑर्डर करा है, दाल मखानी ऑर्डर करी है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार। चलो मिलते हैं आपसे फटाफट यार इस डिनर के बाद, और चलो फटाफट टूट पड़ते हैं खाने पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो फाइनली हम आ चुके हैं घर। वैसे तो मैं कल आ चुका था, अभी जस्ट मैं उठा हुआ और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, रात को मैं लेट पहुँचा और बहुत एक्टिव ड्राइव हो गई थी। घर आए और मैं तो बस खाया भी कुछ नहीं, बिकॉज रास्ते से हवेली से खा के आए थे। और घर आते ही भाई एकदम मैं तो सो गया भाई, सटाक से नींद आ गई और दिन को उठा जाके फिर मैं। सो इस व्लॉग को अब यहीं पर ही एंड करते हैं यार। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो गिव्स इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय।